मौदा शहर से लापता धामन गांव, मांगली, सुंदर गांव, धनला इन गांव की तरफ जाने वाली मार्ग पर बारिश आते ही नाले का स्वरूप आ गया है। इस मार्ग पर स्थापित ज्ञानगंगा स्कूल के पास बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं, जिसमें बारिश के पानी का संचयन होने के कारण इस मार्ग से आवागमन करने वाली ऊपरी गांव के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले इन खड्डे में मुरुम डाला गया था, लेकिन मुरुम के नाम पर केवल मिट्टी डालने का आरोप धामन गांव के पूर्व उप सरपंच श्रवण जुमले ने लगाया है। ऊपरी गांव के लोगों का मौदा शहर में आने वाला यह एकमात्र मार्ग है, लेकिन एनटीपीसी में आवागमन करने वाले जड़ वाहनों के कारण हर साल इस मार्ग पर बड़े बड़े खड्डे पड़ते हैं। लेकिन सार्वजनिक बांध का विभाग इस मार्ग की दुरुस्ती की अनदेखी करने का आरोप नागरिकों ने लगाया है। लापका धामन गांव रोड है, हा खूप खराब है। आणि त्या दिवशी मंत्री साहेबाच्या आढावा बैठक मध्ये हा प्रश्न विचारला गेला आणि म्हणल्यानुसार मुरुम या ठिकाणी आणलं, परंतु त्याच्यात पूर्ण माती आणली आणि गड्डे पूर्ण त्या ठिकाणी बुजलेले नाही। म्हणून एकदा शासनाला विनंती आहे का हा रोड 1 किलोमीटर चांगला करून देण्याची विनंती आम्ही करत आहोत। मौदा तालुक्याच्या वतीनं हा रोड चांगला करण्यात यावा। बीसीएन न्यूज के लिए मौदा से संजय गिरडे की रिपोर्ट।